सूत्र में गुरु को प्रणाम करने की संख्या रुद्राक्ष की माला पर 108 निर्धारित है। 108 ही क्यों? अच्छा, ठीक है। 107, 109 क्यों? हाँ, रुद्राक्ष की माला पे जब हम लोग नमन करते हैं नमः शिवाय से, तो उसके बारे में जिज्ञासा है कि 108 ही क्यों है। शिष्य अनुभूति में साहब ने इस बात को लिखा है, दिशाएं जो हैं वो चार हैं। आपने सुना ही होगा कि मूल रूप से चार दिशा होती है। दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नहीं कहते हम लोग, बाकी सब कोणिक दिशाएं हैं। उत्तर, पूर्व, पूर्व पश्चिम, ये सब कोणिक दिशाएं हैं। तो चार दिशाएं मूल हैं। अभी इस हॉल में हम लोग बैठे हैं, एक उधर की दिशा, एक इधर की, एक इधर की, एक इधर की, चार दिशा और 27 नक्षत्र। नक्षत्रों यानी कि काल की गणना की गई है नक्षत्रों पे। तो ये 27 नक्षत्र और ये जो चार दिशा है, इसका जब गुणनफल आप निकालिएगा तो क्या होगा? इसका गुणा करिए चार से 27 में, तो कितना होगा? 108। तो ये स्थान और काल के अनुसार इसकी गणना की गई है और भारतवर्ष की ये मान्यता रही है कि 108 बार आप किसी मंत्र का जप करिए। शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए ये विधा अच्छी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि लौकिक कामनाएं कैसे पूरी होंगी, जगत की कामना कैसे पूरी होगी, तो वो सारी जो रुद्राक्ष की माला पे आप करते हैं नमः शिवाय से, तो ये लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, या शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो ये होती है और इससे पूर्ति भी होती है। महादेव सुनते हैं, कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष के माले पे ही, यहाँ भी देखिए बहुत जगह लोगों में यह भी भ्रांति है कि उनको लगता है कि रुद्राक्ष के माला पे ही होना चाहिए। रुद्राक्ष को इसलिए भी लोग कहते होंगे, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि वो महादेव से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा ही गया है, कथाओं में आया है कि महादेव के जो आंसू टपके इस धरती पे, तो उससे जो पेड़ पैदा हुआ वही रुद्राक्ष का पेड़ है, यानी रुद्र के आंसू, तो उसका नाम पड़ गया रुद्राक्ष। तो इसलिए भी रुद्राक्ष के बारे में लोग कहते हैं कि वो पावन होता है। साहब भी हमेशा इस बात को बताए हैं, पावन होगा वो, आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है, खुद अपवित्र नहीं होता। तो रुद्राक्ष की जैसे हम लोग कंगन भी पहनते हैं, तो ये किसी भी चीज़ में, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ छुटका है या ऐसा हो गया तो हमको खोल देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद अपवित्र कभी भी नहीं होता है। लेकिन एक बात हम लोग को समझनी होगी कि साहब हरिंदानंद जी ने कहा कि आपका मन ही प्रणाम करता है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि रुद्राक्ष की माला ही प्रणाम करती है। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास नहीं हो, नहीं होगा तो आपके पास बहुत यह है, हाथों पे ही कर लेते हैं लोग, उंगलियों पे ही गिन के कर लेते हैं, उसकी भी पद्धति है। बहुत जगह तो साहब ने कहा कि अरे कंकर पत्थर भी नहीं है, कंकर पत्थर है ना भाई, वही गिन के कर लो। लेकिन अगर 108 की माला है या कंकर पत्थर ही आप गिन के रखे हैं तो वो गिना हुआ है 108। अब उसको गिनने की आपको जरूरत नहीं है कि हाँ है कि नहीं, 108 गिन के रखा हुआ है, आप जो है उसको एक एक दाना घुमाते गए हैं, नमः शिवाय करते गए हैं, मंत्रानुक्रम से करना है तो मंत्र का अनुक्रम, यानी कि एक दाना आपने आगे किया है तो नमः शिवाय मन में इस विचार के साथ कि शिव को प्रणाम हो। ये तो हो गया कि भाई माला पे अगर आप करते हैं या किसी भी और साधन का उपयोग करके करते हैं तो। लेकिन शिष्य अनुभूति ये कहती है कि शिष्य के लिए अजपा जप सर्वोत्तम विधि है। अजपा जप यानी सांस पे लिए तो नमः, सांस छोड़े तो शिवाय। माला तो ये भी गिनी हुई है लेकिन इस माला की गिनती हमको आपको नहीं पता है, ये उसको पता है जिसने हमको आपको बनाया है, उसके पास इसकी गिनती है।
जो जन्म से सांस शुरू होती है मृत्यु के समय खत्म होती है, लेकिन इन सांसों की माला भी एक माला ही होती है। इस पे गीत बने हैं, सांसों की माला पे जप लूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे मैं जप लेती हूँ अपने पी का नाम, जिस अपने प्रिय का नाम जिसको मैं प्रेम करती हूँ, जो मेरा गुरु है मैं उसका नाम जप लेती हूँ। इसमें भी साहब ने कहा कि आपको अगर 108 बार हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप 5 बार 10 बार जब आपका मन करता है ये कर लीजिए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं हल्का करता जा रहा हूँ जितना कर्म कांड को, मतलब कोई कुछ करना ऐसा ना पड़े आपको और आपके गुरु शिव हो जाए, आप शिव के शिष्य हो जाए, उतना ही आप कहते जाते हैं कि ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि एक दिवा काल में यानी 24 घंटे में एक बार आप नमः शिवाय का जप जरूर करिए, और अजपा जप यानी सांसों पे नमः और शिवाय का प्रयोग आपको जब समय मिलता है कर सकते हैं। आपका मन ही तो प्रणाम करता है, और वो प्रणाम अगर सांसों पे चढ़ते हो रहा है तो इसके लिए आपको किस साधन की जरूरत है, किस सामान की जरूरत है, किस माला की जरूरत है, ये तो आपके अंदर ही है, सब कुछ तो आपके अंदर ही है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, बाहरी साधन का को खोजते रहते हैं, अपने भीतर की यात्रा को भूल के बैठे हैं। खत्म। स्थानीय गुरु भाई के बारे में जानना चाह रहा है आपसे, यानी बरकरार से, कि दीदी माँ नीलम आनंद की कोई एक अनुभूति सुनाई है। उन्होंने लिखा है कि तहे दिल से शुक्रिया है कि मुझको शिवशिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रखा देवी से अनुरोध है कि दीदी माँ नीलम आनंद से जुड़ी एक अनुभूति बताने का कष्ट है। दीदी नीलम आनंद जी जो मेरी माँ भी हैं, और उनके साथ की इतनी अनुभूति है कि उसमें से एक निकालना भी बड़ा मुश्किल है। असंख्य अनुभूतियां हैं, लेकिन उनके एक रूप को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। माँ के रूप में एक छोटे से घर में, उस समय बहुत सुविधाएं नहीं थी, बहुत चीज़ें नहीं थी, जबकि साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे उस समय, और रांची में उनकी पोस्टिंग थी, PWD विजिलेंस ये सारा जो विभाग है उनके अंदर में था, और हम लोग सेक्टर 3 के गोलंबर के पास के एक क्वार्टर में रहते थे। उस समय साहब पनबट्टा नहीं रखते थे, बहुत कम, कभी कभार ज़्यादातर पान का सामान रखा रहता था, और माँ दीदी नीलम आनंद जी पान बनाकर उनके तरफ बढ़ाती थी। वो महादेव की बात भी करते रहते, दिन में तो वो कार्यालय जाते और शाम में आते तो शाम का समय पूरी तरह गुरु भाई गुरु बहनों के लिए होता, तो वो पान बनाती उनके तरफ बढ़ाती, साहब उस पान को पकड़ते और मुंह में खाते हुए महादेव की बात करते रहते। मैं अपनी बात ही कहती हूँ कि जब भी मैं ऐसा देखती तो लोग नहीं कहते हैं कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं जिसको देख के आप मुग्ध हो गए एकदम, लगता है कि ऐसा प्रेम, ऐसा आचार विचार, इस तरह की बात। कभी कहीं पढ़ा था कि शिव और शक्ति के प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी इस धरती पे नहीं उग सकती। साहब और दीदी के जीवन में मैंने देखा कि शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी और शिव के शिष्या दीदी नीलम आनंद जी का एक ऐसा अद्भुत प्रेम जिसमें एक मानव का मानव से नहीं, एक शिव के शिष्य का एक शिव शिष्य से और अपने गुरु के लिए। उस समय दीदी माँ नीलम आनंद जी कभी कभी भजन भी गाती थी और उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली रही, आज भी बहुत कम ही रिकॉर्डिंग उनकी उपलब्ध है,
लेकिन जब साहब कार्यालय चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, तो हम लोग माँ के पास चारों तरफ बैठ जाते थे। कभी कभी वो प्रेम से, मन अपने मन से, जो भात आप बनाते हैं ना, चावल भात जो बनाते हैं, उसमें घी नमक मिर्च डाल के एक अलग ही एक व्यंजन समझिए इसको बनाती थी। और हम लोग जितने वहाँ बैठे रहते थे, एक एक कौर बना बना के सबके मुंह में खिलाती थी। एक दिन एक भजन जो वो गा रही थी, साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, साहेब यो, मतलब ये मिथिला के तरफ का भजन है, मिथिला की भाषा है, उस भाषा में ये भजन दीदी ने बनाया था और वो गा रही थी। दोपहर का समय था, माँ एकदम मुग्ध भाव से गा रही थी और डायरी उनकी लेकर मैं भी उनके पास बैठी थी और इस भजन को सुर में सुर मिलाकर मैं भी गा रही थी। भजन की पंक्ति थी, साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, अहाँ छी परम दयालु ए साहेब, अहाँ छी परम दयालु, तीन सूत्र अहीं के करै छी, ऐसे ऐसे करके वो भजन था। उसी समय साहब कार्यालय से दोपहर में लंच करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए घर पहुंचे, तो वो जैसे ही ड्राइंग रूम में प्रवेश किए तो उन्होंने कहा कि नीलम साहब तो महादेव है ना। तो माँ ने उत्तर दिया कि मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूं। साहब दोपहर का खाना खाकर जब लौट गए तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि इनको लगता है कि मेरा नाम कोई नहीं ले, हर आदमी अगर कोई नाम ले तो महादेव का ले। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, कि वो ये भी ना चाहे कभी कि कोई मेरा नाम भी ले, शिव का नाम ले, शिव की बात करे। तो माँ ने कहा, दीदी नीलम आनंद जी ने कहा कि लेकिन बरखा मुझको महादेव में और साहब में कोई अंतर लगता ही नहीं है, मैं तो ये गीत उन्हीं के लिए गा रही हूँ, साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, अहाँ छी परम दयालु ए साहेब, अहाँ छी परम दयालु। चलिए आज की इस संगोष्ठी को हम इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा के 30 जिलों तक आप अपनी पहुंच बनाइए, साहब का सपना पूरा करने में मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। महादेव की दया बरस ही रही है, उससे वंचित मत होइएगा और तीन सूत्र और जो भी करने का तरीका साहब ने बताया है उसको जरूर बताइएगा। आप में से जो लोग भी कभी शरीर में साहब और या दीदी से मिले हैं, मेरा निवेदन है वैसे गुरु भाई गुरु बहनों के लिए भी कि वो अपने क्षेत्रों में जब जाते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, तो उस शिव की चर्चा के साथ ये भी जरूर बताइए कि किसने ये बात कही है, क्यों कही है और क्या चाहा है, क्योंकि साहब की ये सारी तपस्या अधूरी है अगर उनके महादेव का काम हम और आप मिलकर नहीं कर सकें। हम अपने साहब को कुछ दे ना सके, क्या दे पाएंगे, जिन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा है उनको किस बात से हम लोग खुश कर सकते हैं, सोचिए तो जरा किस बात से खुश कर सकते हैं। जो शिव के लिए शिव को चाहता है उसको खुश करने का रास्ता भी एक ही है कि शिव की बात की जाए। शिव की बात जितना करेंगे वो भी आपके नज़दीक उतना ही रहेंगे, उतनी ही मदद, उतनी ही दया, उनका साथ मिलता रहेगा। फिर कभी समय मिला तो जरूर और भी कभी अनुभूति कोई ऐसी हो, बहुत सारी है जिसको हम लोग कभी बता ना सके, जो कभी लिखी नहीं गई, असंख्य ऐसी घटनाएं साहब और दीदी की जिसके साक्षी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन रहे। पुराने समय के गुरु भाइयों से जब बात करिएगा, आप लोग कभी मिलिएगा
वो बताएंगे कि किस तरह महादेव का काम आगे बढ़ा, किस तरह दीदी नीलम आनंद, राजमणि नीलम आनंद, एक राज परिवार की बेटी, सड़क के किनारे अखबार बिछा के बैठ के साहब के साथ बस का इंतजार करती कि उस गांव में जाकर महादेव की बात होगी। आज जो शिव शिष्यों का सैलाब है वो ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके पीछे उनकी अनंत कथाएं हैं, अनंत घटनाएं, और जीवन का पल प्रतिपल समर्पित हुआ है, तब कहीं जाकर शिव शिष्यता की बगिया आज सुवासित है, सुगंधमय है। साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी मैं नहीं जानता, शिव के बिना, जिसमें शिव नहीं हो वो दुनिया कैसी होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये दुनिया सुवासित होगी, सुगंधमय होगी, सबल होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। अपने साहब का विश्वास कर इस रास्ते पे आइए हम सब साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।